I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law Wala channel जहाँ पे हम deal कर रहे हैं chapter number 17. Last segment में हमने deal किया था section number 211 to 217 जहाँ हमने ये समझा कि charge frame किस तरीके से होता है. And today we'll be dealing with the part 2 of chapter number 17 जहाँ हम ये deal करेंगे कि joinder of charge कैसे होता है. Last segment में मैंने आपको students ये बताया था कि joinder दो चीजों का हो सकता है, एक तो charge या offences का हो सकता है और दूसरा offenders का हो सकता है. Not necessary कि जब एक person एक offence commit करे तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक ही offence commit करे. हो सकता है कि वो particular crime करते वक्त उसने 3-4 offences को एक साथ commit किया हो, तो उसके लिए हम बहुत सारी धाराएं और बहुत सारे sections उसके ऊपर लगाते हैं. So without wasting any time, let's begin with the session and I hope you all are enjoying the sessions और समझ आ रहा है आपको और ये foundation batch आप सबके लिए important रह रहा है और समझ आ रहा है and you people are enjoying this foundation batch. So yes, last segment में हमने क्या deal किया था students? 211 to 217 deal किया, जिसमें हमने 211 में क्या deal किया था? We dealt with the content of charge. 212 में हमने क्या deal किया? Particulars of charge अगर है तो क्या है. फिर हमने 213, 214 डिस्कस किया जहां हमने क्या बोला कि भाई अगर डाउटफुल है, इन केस देयर इज डाउटफुल एज टू व्हिच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड तो क्या होने वाला है. फिर हमने 215 में क्या पढ़ा? इफेक्ट पढ़ा किसका? एरर का इफेक्ट पड़ा. देन वी स्टडीड अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज. चार्ज को क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स? ऑल्टर किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है, जिसमें 216 में हमने कोर्ट का पावर पढ़ा कि वो कुछ पर्टिकुलर चार्जेस को ऑल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. 217 में हमने क्या पढ़ा कि अगर आप चार्ज को ऑल्टर कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट और इवन द पावर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज टू कॉल द विटनेसेस, दैट इज रिकॉल द विटनेसेस, रीसमन देम एंड एग्जामिन देम अगेन. एंड इफ वहां पे कोर्ट को महसूस होता है तो हम फर्दर विटनेसेस को भी वहां पर बुला सकते हैं. क्लियर है चीज? सो इतना हमने डील किया. आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंडर से रिलेटेड. जॉइंडर का क्या मतलब होता है? ज्वाइन करना किसी चीज को. तो जॉइंडर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो चीजों का होता है. पहले होता है चार्ज का. अगर एक पर्सन ने मर्डर का ऑफेंस किया है स्टूडेंट्स, तो क्या हम उसे सिर्फ और सिर्फ मर्डर के लिए हेल्ड लाइबल करेंगे या सिर्फ और सिर्फ मर्डर की ट्रायल अलग करेंगे? और मर्डर कमिट करते हुए उसने कोई हर्ट कॉज किया, उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, उससे पहले उस पर्सन को अबडक्ट किया या उस पर्सन के साथ अगर रेप भी कमिट किया, तो क्या हम इन चीजों के लिए अलग अलग ट्रायल चलाएंगे क्या? आंसर इज नो. इतना टाइम हमारे कोर्ट या न्यायालय के पास नहीं है. For the convenience of the accused and even for the convenience of the magistrate and the court, what will the court do? The court will join the charges. सारे charges को join करके एक ही दफा में हम उसको निपटाएंगे, मतलब एक ही trial हम उस person की conduct करने वाले हैं. So that is what is meant by joinder of the charges या फिर joinder of the offences. और दूसरा हमने क्या पढ़ा? Joinder of the offences, just offenders, that is to say joint trial. ज्वाइंट ट्रायल जहां पर बहुत सारे अक्यूज हैं. निर्भया रेप केस में हमने देखा था कितने सारे अक्यूज थे, तो सबकी ट्रायल ज्वाइंट हो रही थी, अलग अलग ट्रायल नहीं हो रही है. अब जुवेनाइल है तो डेफिनेटली उसकी ट्रायल अलग से होने वाली है, उसको हम जेजे एक्ट में डील करने वाले हैं. बट अगर कोई जुवेनाइल नहीं है, अडल्ट है प्रॉपर, तो उस पर्सन का क्या होगा? उन सारे अक्यूज की एक अलग से ट्रायल चलने वाली, अलग से मतलब सबकी शामिल अलग से ट्रायल चलने वाली है. यहाँ पर किसी को हम अलग अलग ट्रायल में कंडक्ट नहीं करने वाले हैं, ट्रायल में उसको प्रोसिक्यूट नहीं करने वाले, एक ही ट्रायल में सब लोग आएंगे जाएंगे, सबके एक ही विटनेसेस रहने वाले हैं. बराबर है ये चीज? सो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स किसकी, अगर मैं बात करूं जॉइंडर ऑफ चार्जेस या ऑफेंसेस की, कहां दे रखा है? 219, 20 और 21. अगर बात करूं मैं ऑफेंडर्स की, जॉइंडर ऑफ ऑफेंडर्स कहां दे रखा है? 223. मैम 218 किधर गया? सी स्टूडेंट्स, 218 एक जनरल रूल है. क्या है? एक जनरल रूल है 218 में जो कहता है भाई सेपरेट ऑफेंस है तो आप उसको सेपरेटली चार्ज करो. हर ऑफेंस को आपको सेपरेटली चार्ज करना है, ठीक है, समझ गए. लेकिन इस 218 के एक्सेप्शंस हैं 219, 220, 221. क्लियर है चीज? सो सी यहां बनता है हमारा पूरा चार्ट. क्या बनता है? हमारा पूरा चार्ट बनता है जहां पर 218 में हम जनरल रूल पढ़ेंगे कि भाई सेपरेट चार्ज है तो सेपरेट ऑफेंसेस के लिए सेपरेट चार्ज लगाना है. अलग अलग ऑफेंसेस के ना, किडनैपिंग किया, मर्डर किया, रेप भी किया, थेफ्ट भी किया, मार के भी आ गया पर्सन को, और वहां पे क्या किया, किसी को मान लीजिए रॉबरी कर दी, डिकॉयटी भी कर दी, किसी घर में उसने हाउस ट्रेसपास कर दिया है, देन इन दैट केस हम हर सेपरेट ऑफेंस के लिए उसके ऊपर सेपरेट चार्ज लगाने वाले हैं. दिस इज गिवन अंडर 218. ओके, सेपरेट ऑफेंस सेपरेट चार्ज. लेकिन अब इसके चार एक्सेप्शन हैं.
जो कि बात करते हैं किसकी, ज्वाइंडर की बात करते हैं। अब हम इसमें ज्वाइन क्या क्या करेंगे, तो 219 ने बोला तीन ऑफेंसेस अगर एक साल में किए हैं उसने तो उन सबको एक साथ ट्राई करेंगे, जो कि कैसे होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। और सेम काइंड का मतलब क्या है, जहां पे पनिशमेंट सेम है, जहां पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज सेम, उन ऑफेंसेस को हम क्या कहते हैं, सेम काइंड कहते हैं। अगर किसी पर्सन ने 12 महीने की अवधि में, दैट इज विद इन 12 मंथ्स, ही हैज कमिटेड 3 ऑफेंसेस इन अ ईयर, उन सबको एक साथ ट्राई कर सकते हैं, 219 कहता है, एक ही ट्रायल में निपटा दो। ओके, 220 ने क्या बोला, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, एक से ज्यादा अगर उस पर्सन ने ऑफेंस किया, मानो 2, 3, 4 किया है, तो हम उसको एक ही ट्रायल में निपटाएंगे। क्या करेंगे, एक ही ट्रायल में निपटाएंगे। कौन सा सेक्शन बोलता है, 220। सो कैन आई से कि 218 का डायरेक्ट एक्सेप्शन 220 है, 218 का डायरेक्ट एक्सेप्शन क्या है, 220 है, जो जहां पर 218 बोलता है कि भाई सेपरेट ऑफेंस है तो सेपरेट चार्ज लगाओ, और 220 बोलता है ठीक है आपने चार्जेस सेपरेट भी लगा दिए, लेकिन ट्रायल साथ में कंडक्ट कीजिए आप उनकी, क्या कंडक्ट कीजिए, ट्रायल साथ में कंडक्ट कीजिए। एंड 221 क्या कहता है, अगर डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस यहां कमिट किया गया है, देन इन दैट केस आप उस पर्सन के अगेंस्ट कौन से चार्जेस लगाएंगे, हम उस पर्सन के अगेंस्ट कौन से चार्जेस लगा सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको 213 एंड 214 का भी जो चार्ट बना के बताया था, शायद मैंने उसमें डाउटफुल बता दिया था ना, तो डाउटफुल नहीं है। 213 में क्या होता है, हमें ये बताना है कि ऑफेंस कमिट करने का मैनर कैसा था। एंड 214 में हमने कल क्या डिस्कस किया था, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड लॉ में दे रखा है तो उसी सेंस में हमें उसको इंटरप्रेट करना है, क्लियर है। एंड अगर कोई डाउटफुल है कि भाई कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, किसने हर्ट कमिट किया है, कि ग्रीवियस हर्ट कमिट किया है, मर्डर कमिट किया है, कि कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया, हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड, तो उस केस में या तो आप सारे चार्जेस लगा दो या आप उसका ऑल्टरनेटिव चार्ज लगा दो। दिस इज गिवन अंडर 221। 223 कहता है कौन कौन से ऑफेंडर्स को, पर्संस को हम साथ में ट्राई कर सकते हैं, कौन कौन से पर्संस को एक ही ट्रायल में हम एक साथ लेके आ सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, दिस इज गिवन अंडर 223। दो और सेक्शंस बचते हैं जिसमें 224 बात करता है विड्रॉल ऑफ द चार्जेस। कुछ चार्जेस प्रूव हो गए, कुछ चार्जेस प्रूव नहीं हुए, मतलब उन चार्जेस को विड्रॉल करना है, उन चार्जेस का विड्रॉल करना है, कौन करेगा, या तो कंप्लेनेंट कर सकता है या फिर हमारा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कर सकता है, एंड किसके परमिशन से, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट से कर सकता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और विड्रॉल के वक्त हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, 321, दैट इज विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, एंड 321 इज विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड 257 इज विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो विड्रॉल वाली सारी चीजें एक साथ पढ़नी है हमको, इज इट क्लियर। एंड 221 अति महत्वपूर्ण सेक्शन, जो जनरली हम समझने में ढिलाई कर देते कि जाने दो क्या समझना, बट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली, वेरी नाइसली। 222 ये कहता है स्टूडेंट्स, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द चार्ज, हमने ये ऑफेंस का चार्ज लगाया, एक बड़ा ऑफेंस का चार्ज लगाया, लेकिन जो ऑफेंस उसने किया और जो ऑफेंस प्रूव हुआ वो ऑलरेडी उस बड़े वाले ऑफेंस में इंक्लूडेड था एज अ छोटा ऑफेंस, तो हम इस ऑफेंस के लिए, दैट इज द छोटा वाला माइनर ऑफेंस के लिए उसे कन्विक्ट कर सकते हैं, इवन इफ हमने उस माइनर वाले ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट अलग से चार्ज नहीं लगाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मेजर चार्ज में ऑलरेडी इंक्लूडेड था बाय डिफॉल्ट। अरे भाई मर्डर कर रहा है तो पता है ना, मारेगा, पीटेगा, हर्ट करेगा, ग्रीवियस हर्ट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो ऑलरेडी माइनर चार्ज इंक्लूडेड है, भले ही हमने उसके लिए चार्ज नहीं किया था, हम उसके लिए पनिशमेंट दे सकते हैं विदाउट फ्रेमिंग द चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर माइनर चार्ज, क्लियर है। तो चलिए अब समझेंगे हम आज 218 को सबसे पहले, 218 को सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद आगे आएंगे जहां हम ये पढ़ेंगे 219, 220, 221 एंड 223 में हमें क्या सारी चीजें दे रखी है। सो मेक श्योर करेंगे कि हमें ये शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलना है। 218 बेसिक रूल ये कहता है स्टूडेंट्स, सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। अलग अलग ऑफेंस किया ना, तो आप अलग अलग चार्जेस लगाइए, अलग ऑफेंस के लिए हमें अलग चार्ज लगाना है, ये बोल दिया इन्होंने सबसेक्शन 1 में। इट सेज फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ व्हिच अ पर्सन इज अक्यूज्ड शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। तो इन्होंने बोला अगर डिस्टिंक्ट ऑफेंस है तो आपको दो चीजें करनी है, पहला तो मैम आपको सेपरेट चार्ज लगाना है, हम बोले ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला सेपरेटली ट्राई भी करना है।
क्या बोला, सेपरेटली ट्राई भी करना है यहाँ पर, ठीक है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 218 के कहने का मतलब है हर अपराधी और अपराध अलग अलग है, तो आपको हर अपराध को अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, 219 एंड स्पेसिफिकली 220, 221 एंड 223। प्रोवाइजो पढ़ेंगे, 218 का कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्यूज्ड पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिजायर्स एंड द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच पर्सन इज नॉट लाइकली टू बी प्रेजुडाइज्ड देयरबाय, मैजिस्ट्रेट मे ट्राई टुगेदर ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन। अगर मैजिस्ट्रेट को उचित लगे, मैजिस्ट्रेट को उचित लगे एंड कब, जब अक्यूज पर्सन ऐसी एप्लीकेशन दे, तो क्या किया जा सकता है, सारे चार्जेस को हम ट्राई कर सकते हैं टुगेदर, ट्राई ऑल द चार्जेस टुगेदर हो सकता है। नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223। कह रहा है कि भाई जो 218 सबसेक्शन 1 में लिखा है वो 219, 220, 221 एंड 223 को इफेक्ट नहीं करेगा। 223 है डायरेक्टली, 222 नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से। सो दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट दीज फोर, मतलब दीज फोर आर द एक्सेप्शन ऑफ 218। जहां पे सेक्शन नंबर 219 क्या कहते हैं, अच्छे से सुनना। 219 क्लियरली सेज दैट थ्री ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर बी चार्ज टुगेदर। अगर तीन तरीके के, और वो भी कौन से, सेम काइंड के ऑफेंस एक साल में किए हैं, तो आप उनको क्या करोगे, एक साथ ट्राई करने वाले हो। सबसेक्शन 1 ऑफ 219, वेयर अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन अ स्पेस ऑफ 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर कमिट किया है, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट सच ऑफेंस whether in respect of the same person or not, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ही विक्टिम के अगेंस्ट वो ऑफेंस किया है या अलग अलग विक्टिम के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, he may be charged with and tried at one trial any number of them not exceeding three। लेकिन तीन से ज्यादा हम एक साथ चार्ज नहीं कर सकते, मतलब तीन चार्जेस ही हम एक साथ ट्राई कर सकते हैं, कब, जब उस पर्सन ने ऑफेंस किया है 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, क्लियर है। थ्री ऑफेंसेस मींस थ्री चार्जेस, बराबर। और सेम काइंड का मतलब क्या होता है, सेम काइंड का मतलब इन्होंने प्रोवाइजो में दे रखा है, सेम काइंड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अच्छा सब सेक्शन 2 में दे रखा है, ऑफेंसेस आर ऑफ सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी और एनी स्पेशल लॉ और एनी ऑफ द लोकल लॉज। सो सेम काइंड का मतलब ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नाउ वी विल कम टू सेक्शन नंबर 220 जो कहता है ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंस, एक से ज्यादा ऑफेंस का ट्रायल हम एक साथ कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस वी कैन डू प्रोवाइडेड कि स्टूडेंट्स वो ऑफेंसेस सेम ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम ट्रांजैक्शन। अब सेम ट्रांजैक्शन का कहने का मतलब सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब है कि उस एक ही घटना में आपने एक से ज्यादा ऑफेंस किया, तो सबको आप साथ में ट्राई कर लीजिए, आप आराम से सब में साथ में ट्राई कर सकते हैं। एक ही पर्सन था, उसकी हत्या भी कर दी, उसके घर से हमने लूटपाट भी कर ली, चोरी भी कर ली, तो वो एक ही घटना में किए गए अपराध है, तो उन सबको हम एक साथ ट्राई कर सकते हैं। दिस इज गिवन अंडर 220, क्लियर। 220 का सबसेक्शन 1 पढ़ रही हूँ, इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन मतलब वो एक्ट ऐसा है कि एक ही घटना क्रम में हमने वो ऑफेंसेस किए हैं, more offenses than one are committed by the same person, मतलब यहाँ पे accused कैसा है, accused भी same होना चाहिए, he may be charged with and tried at one trial for every such offense, तो मतलब हम उस person के ऊपर same charges लगा सकते, that is to say joinder of charges भी होंगे और हमारी trial एक ही रहने वाली है, same रहने वाली है, this is given under subsection 1। moving on to subsection 2 जो कुछ particular offenses के बारे में बता रहा है, when a person is charged with one or more offenses of criminal breach of trust, क्या बोला, एक या एक से ज्यादा अपराध किस चीज के लिए, या तो criminal breach of trust है या फिर dishonest misappropriation है, dishonest misappropriation of the property as given under subsection 2 of 212 में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। 212 में हमने क्या पढ़ा, टाइम एंड प्लेस, जब आपका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, तो उनके बीच में जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट से लेके लास्ट के बीच में कितना टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, आपके एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड एक्सीड नहीं करना चाहिए। इज अक्यूज ऑफ कमिटिंग
फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग और कंसीलिंग द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उसने क्या किया है, ऐसा कुछ फैसिलिएशन किया है, मतलब चीजों को फैसिलिटेट किया है या कंसील किया है उस ऑफेंस का, कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस और दोज ऑफेंस, वन और मोर ऑफेंसेस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कोई अकाउंट से रिलेटेड उसने फॉल्स चीजें बताई है, he may be charged with and tried at one trial every such offence. ये सारे ही offence हम क्या try कर सकते हैं, एक trial में conduct कर सकते हैं. तो subsection 2 में जितने भी offences की list हमें बता रखी है students, उन सब को हम एक साथ उस person के against charge कर सकते हैं और एक ही trial में उसको हम try भी कर सकते हैं. Subsection 3, if the act alleged constitutes an offence falling within two or more separate definition, इन्होंने बोला कि भाई offence ऐसा है जो टू और मोर डेफिनेशंस के अंडर फॉल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जो दो या दो से अधिक डेफिनेशंस के अंदर फॉल कर रहा है, सिर्फ एक के अंदर नहीं, दो या दो से अधिक में डेफिनेटली फॉल कर रहा है, द पर्सन मे बी चार्ज्ड. अब देखो, टू और मोर ऑफेंसेस डिफाइंड इन एनी लॉ इनफोर्स्ड फॉर टाइम बीइंग बाय व्हिच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड, हो सकता है ये ऑफेंस आईपीसी के तहत भी पनिशेबल है और डीवी एक्ट के तहत भी पनिशेबल है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फॉर बायगैमी आल्सो पनिशेबल है, आईपीसी के तहत भी बायगैमी में पनिशेबल है. तो ऑफेंस ऐसा है स्टूडेंट्स जो दो या दो से ज्यादा डेफिनेशन के अंदर पनिशेबल है, देन द अक्यूज्ड पर्सन मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर सच ऑफेंस. तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे चार्ज कर सकते हैं उस ऑफेंस को, उस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को हम चार्ज कर सकते हैं एक साथ और उस चीज की एक ही ट्रायल कंडक्ट भी कर सकते हैं. सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर बहुत सारे एक्ट्स किए, कोई ऑफेंस कमिट किया हमने एंड देयर वर सेवरल एक्ट्स ऑफ व्हिच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जहां पर या तो एक, वन और मोर देन वन, या तो जो एक ऑफेंस किया है वो खुद से ही ऑफेंस है, या एक से ज्यादा जो ऑफेंस किया वो मिलके एक ऑफेंस कमिट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, अगर हम उस ऑफेंस को इकलौता माने तब तो वो ऑफेंस क्या हो रहा है, इकलौता ऑफेंस कमिट हो रहा है, लेकिन अगर सारे ऑफेंसेस को मिला दे, 1+1+1 सारे ऑफेंसेस को मिला दे तो डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है. क्या हो रहा है, डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है. देन द अक्यूज पर्सन मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर द ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सच एक्ट व्हेन कंबाइंड एंड फॉर ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी वन और मोर ऑफ सच एक्ट. क्लियर है, या तो जब आप ऑफेंस कर रहे हो तो वो एक ऑफेंस जब आपने किया तो वो इकलौता या तो ऑफेंस हो रहा है, या जब बहुत सारे ऑफेंसेस कंबाइन कर दिए तो वो एक नया ऑफेंस बन रहा है, देन इन दैट केस हम वो सारे ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई कर सकते हैं. क्लियर है ये चीज, ओके. नाउ सी, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 221 ये कहता है, जब ये डाउटफुल है कि एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, we are not able to decide कि culpable homicide हुआ है या murder हुआ है, then in that case हम उस person के against कौन कौन से charges लगा सकते हैं, हम उस person के against वो सारे charges लगा सकते हैं जो हमको लग रहा है कि इसने किए हैं, या फिर हम वो charge लगा सकते हैं जो हमको लग रहा है कि नहीं culpable homicide नहीं murder किया है, तो murder का लगा दो, लग रहा है कि नहीं murder नहीं culpable homicide किया तो culpable homicide का लगा दो. Understood? So 221 says that Yes, 221. अच्छा, एक बार illustrations पढ़ेंगे हम किसके, 220 के illustrations पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, 221 क्या कहता है? Where it is doubtful that which offence has been committed. Subsection 1. If a single act or series of act is of such a nature that it is doubtful which of the several offences the fact which can be proved will constitute. कि exactly जब हम इसको prove करने जाएंगे तो कौन सा offence constitute होगा? ये अभी भी doubtful है हमें. The accused may be charged with having committed या तो all the offences or any of such offences. या तो वो सारे charges लगा दो जो आपको लग रहा है, या फिर उनमें से कोई एक charge लगा दो. And any number of such charges may be tried at once. उन सारे जो भी charges आपने एक साथ लगाए हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं? एक साथ try कर सकते हैं. Or he may be charged in alternative with having committed some one of the said offence. आपको लग रहा है इन चारों में से कोई एक offence किया है उसने, या फिर या तो मर्डर किया या कल्पेबल होमिसाइड किया, तो दोनों में से दैट इज अल्टरनेट चार्ज आप लगा सकते हैं और उसकी एक ही जगह पे ट्रायल कमिट कंडक्ट हो सकती है. सबसेक्शन 2 सेज इफ एनी सच केस द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस
एक ही ऑफेंस के लिए हमने उसको चार्ज किया है एंड इट अपीयर्स इन द एविडेंस दैट ही हैज कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, लेकिन बाद में पता चल रहा है एविडेंसेस में कि उस पर्सन ने डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया है फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज, जिसके लिए हम उस पर्सन को पहले चार्ज कर सकते थे, लेकिन लेटर स्टेज पे एविडेंसेस सामने आने के बाद पता चला भाई इसने तो कोई डिफरेंट ऑफेंस किया है. He may be convicted of the offense which is shown to have committed, although he was not charged with it. तो जो चीज के लिए, जो offences के लिए हमने evidences पेश किए और वो proof हो गए, तो हम उस offence के लिए accused को convict कर सकते हैं, जिसके लिए उस person के against evidences produce किए गए, भले हमने उसको उस person को charge उस offence से related charge नहीं किया था. For example, क्या हुआ? एक पर्सन गया किसी के घर पे, उसको कूट मार करके आ गया, है ना, मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट करके आ गया. अब ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस लगे, लेकिन बाद में जब एविडेंसेस सामने आया तो पता चला इसने तो थेफ्ट किया था, इसने तो कोई ग्रीवियस हर्ट या हर्ट क्रॉस नहीं किया, इसने तो थेफ्ट कॉज किया है. तो चार्ज तो हमने भले ही उसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट का लगाया था, लेकिन एविडेंसेस शो कर रहे हैं कि इसने थेफ्ट कमिट किया, कैमरा में आया है कि इसने मारपीट कुछ नहीं की, कैमरा साफ कह रहा है कि ये तो वहां से चोरी करके गया है. Then in that case, हम उस offense के लिए उस person को convict कर सकते हैं जिस offense के लिए उसके against evidences produce किए गए हैं, भले ही उस offense से related हमने उसको charge नहीं किया था. Clear है ये चीज? So this is given under your 221. Understood? Now let's come back to section number 220. यहाँ पे कुछ illustrations दे रखे हैं students. हम एक बार illustrations पढ़ेंगे किससे related? सेक्शन नंबर 220 से रिलेटेड, जहां हमने बोला ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंस, एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट हो रहा है तो हम सारे ही ऑफेंसेस को एक साथ ट्रायल कर सकते हैं, एक साथ उन सबका ट्रायल कर सकते हैं. सो इलस्ट्रेशन में ए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. ए रेस्क्यूज बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एंड इन डूइंग सो कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू सी. ए ने बी को बचाया और उस वक्त बी को बचाते वक्त सी को क्या कर दिया? ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया. और सी कौन है? कॉन्स्टेबल है. In whose custody B was. B basically C की custody में था. C की custody में था और C की custody में बिल्कुल lawful custody में था. मान लीजिए मैं सड़क पर से जा रही थी, मैंने देखा अरे पुलिस वाला मेरी friend को लेके क्यों खड़ा है वहाँ पे, उसको जब्त तो क्या कर लिया, मतलब पकड़ के वहाँ रख लिया. तो मैं वहाँ पे उसको lawful custody में थी, वो पुलिस की कस्टडी में लॉफुल कस्टडी है, वहां से छुड़वाने के लिए मैंने वहां से उसको छुड़वाने के चक्कर में जो पुलिस था सी उसको भी वहां पे ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया. तो आई मे बी चार्ज with and convicted of offense under section 225 and 333 of the IPC. 225 and 333 दोनों के लिए हो सकता है. अब अगर हम IPC में आए and students, अब अगर मैं section number देखूं, कौन सा देखें? 225 देखें. So 225 says resistance or obstruction of lawful apprehension to another person and आपका सेक्शन नंबर 333 किसके बारे में मेंशन करता है? ग्रीवियस हर्ट के बारे में मेंशन करता है, जो बोलता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी. तो सेम ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है? अलग अलग ऑफेंसेस कमिट किए हैं, तो उस ट्रायल में उन दोनों ऑफेंसेस के चार्जेस हम पे लगाए जा सकते हैं. 225 और 333 दोनों के लिए लगाया जा सकता है. ओके, क्लियर है? अब देखो, एक बार हम ऑप्शन नंबर इलस्ट्रेशन सी पढ़ेंगे. A entices B, the wife of C. A क्या करता है? C की wife B को entice करता है, away from C, लेके चला जाता है उसको, with intent to commit adultery with B. कि उसकी wife के साथ क्या करेगा? C की wife, that is B के साथ क्या commit करेगा? Adultery commit करेगा, and then commits the adultery with him, with her. A may be charged separately and convicted under the section number 498 and 497 of IPC. दोनों sections के लिए हम उसको charge कर सकते हैं, क्योंकि same transaction में offense हुआ है. Clear है? Understood? चल, एक बार हम पढ़ेंगे students of illustration number H. A threatens B, C, D at the same time with injury to their persons with intent to cause alarm to them. A ने क्या किया? B, C, D को same time पे ये धमकी दी कि भाई तुम्हारे जो जान पहचान के लोग हैं, तुम्हारे परिवार वालों को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मारपीट कर दूंगा. A may be separately charged with and convicted of each of the three offenses under section 506. तो ये तीनों offenses भले ही अलग अलग लोगों के against हमने किए हैं, तीनों offenses के लिए हम उस person को क्या कर सकते हैं? एक साथ try कर सकते हैं. Clear है चीज? So this is how you have to study. अब देखो, एक illustration M पढ़ते हैं हम.
इलस्ट्रेशन एम किसका इलस्ट्रेशन है, हमारे सबसेक्शन 4 का इलस्ट्रेशन, जहां हमने बोला ना अगर एक ऑफेंस होता तो उसके लिए ट्राई कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऑफेंसेस को जब कंबाइन किया और एक नया ऑफेंस डिफरेंट ऑफेंस बना, तो उस डिफरेंट ऑफेंस के लिए भी हम सेम ट्रायल कंडक्ट कर सकते, एक ही ट्रायल में कंडक्ट कर सकते हैं उस पर्सन का प्रोसिक्यूशन. तो एम इलस्ट्रेशन पढ़ रही हूँ, विच सेज ए कमिट्स रॉबरी ऑन बी, ए ने क्या किया, बी के अगेंस्ट रॉबरी कमिट किया, एंड इन डूइंग सो वॉलंटरी कॉजेस हर्ट टू हिम, रॉबरी भी कमिट किया और उसके साथ उसको क्या किया, वॉलंटरी हर्ट भी कॉज कर दिया. ही मे बी चार्ज सेपरेटली विद एंड कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस 323, 392 एंड 394 ऑफ द ऑफेंसेस. भले ही वहां पे उसके अगेंस्ट एक ऑफेंस माना जा रहा है, लेकिन उसने क्या किया, बहुत सारे ऑफेंसेस एक साथ कमिट किए हैं, तो उन सारे ऑफेंसेस को क्लब करके हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कन्विक्ट कर सकते हैं. क्लियर है चीज? चलिए, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 223 वेरी नाइसली, क्योंकि 223 में से स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन आते हैं एंड हम यहाँ पे 223 को रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 223 की ये लिस्ट आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है. सो इस लिस्ट को मैंने थोड़ा कट शॉर्ट किया है, जहाँ पे ये हो सके कि आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे याद रहे तो आप ये प्रीमियर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. 223 मैंने क्या बोला कि हम जॉइंडर किसका किसका करते हैं स्टूडेंट्स, हम दो चीजों का जॉइंडर करते हैं. एक तो हम जॉइंडर करते हैं ऑफेंसेस का, दैट इज टू से चार्ज का जॉइंडर करते हैं, और दूसरा किसका करते हैं, ऑफेंडर्स का, दैट इज को अक्यूज का हम जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं. सो वो किस में दे रखा है, 223 में दे रखा है. सो 223 सेज व्हाट पर्संस मे बी ट्राइड जॉइंटली, तो इट सेज फर्स्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस ड्यूरिंग द सेम ट्रांजैक्शन. मैं और मेरी फ्रेंड ने एक साथ कहीं पर चोरी कर ली, एक साथ एक जगह पे चोरी की है ना, और एक ही ऑफेंस चोरी किया, तो हम दोनों को साथ में ट्राई कर सकते हैं. सबसेक्शन 2 पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस ड्यूरिंग द सेम ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन एक ही था, घटना एक ही थी, घटना चक्र एक ही था, लेकिन वहां पर ऑफेंसेस अलग अलग किए. मैंने वहां चोरी कर ली और मेरी फ्रेंड ने किसी को हर्ट क्रॉस कर दिया वहां पे. मैं सब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके, ऐसा मत मान लेना हाँ मैम ने सच में किया, नहीं किया, अगर किया होता तो अभी तक आपके सामने नहीं बैठी होती. ओके, सो ट्रांजैक्शन सेम था, हम गए किसी के घर पे और वहां पे एक पर्सन ने चोरी कर लिया, दूसरे पर्सन ने जब कोई बचाने आया उसको तो वहां पे क्या कर दिया, हर्ट कर दिया, मर्डर कर दिया. तो भले ही दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस किया है, हम सेम ट्रांजैक्शन में उनको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. नाउ इट विल कंप्लीटली डिपेंड कि भाई आपका इंटेंशन था पहले से, आपका प्री डिसाइडेड था कि अगर आपको कोई ऐसे बचाने आएगा तो आप मार देंगे. So that will completely depend on your criminal conspiracy and even your common intention of causing the hurt to any other person. Next subsection कहता है person accused of abetment or attempt. अगर किसी का abetment किया है या attempt किया है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको एक ही trial में क्या किया जा सकता है, conduct आपकी prosecution की जा सकती है. देखो सब clause B क्या कहता है, person accused of offence and the person accused of abetment and attempt. एक पर्सन को तो हमने ऑफेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं और दूसरे पर्सन को उस ऑफेंस के अटेम्प्ट या अबेटमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं. मैंने अपनी फ्रेंड का अबेटमेंट किया, गो एंड किल सी, तो मेरी फ्रेंड ने क्योंकि सी को मार दिया तो उसको मर्डर के लिए ट्राई किया जाएगा और मुझे उसके अबेटमेंट के लिए ट्राई किया जाएगा सेम ट्रायल में. नेक्स्ट क्लॉज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस इन 12 मंथ्स नॉट एक्सीडिंग 3. अगर एक पर्सन को अक्यूज किया जा रहा है किसी एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो कि उसने 12 महीने में किया है, 12 महीने के अंदर अंदर उसने 3 बार वो सेम ऑफेंस किया है, तो उसको हम एक ही ट्रायल में कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है पर्सन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. ये देखो यहाँ पे कौन से क्लॉज मिलेगा, क्लॉज नंबर ई, इट सेज एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग, रिटेनिंग एंड असिस्टिंग इन डिस्पोजल. इसके साथ कौन सा पर्सन है, इसके साथ वो पर्सन है जिसने उस मैटर को, जिसने उस प्रॉपर्टी को कंसील किया है या उसको असिस्ट किया है वो चोरी जारी करने में, या क्या किया है, रिटेन करके रखा है उस प्रॉपर्टी को, उन दोनों पर्सन्स को हम साथ में ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लॉज दैट इज क्लॉज नंबर एफ पर्सन अक्यूज ऑफ सेक्शन नंबर 411 एंड 414 ऑफ आईपीसी और आइदर ऑफ दोज सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उन दोनों को साथ में ट्राई किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर दैट इज क्लॉज नंबर जी पर्सन अक्यूज्ड अंडर चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 ऑफ आईपीसी किससे डील करता है स्टूडेंट्स, कॉइन से डील करता है, तो उन सबको क्या कर सकते हैं, हम साथ में ट्राई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने अबेटमेंट किया हो, यहाँ पे अटेम्प्ट किया हो, तो यहाँ पे रिलेटेड इन सारे पर्सन्स को हम साथ में ट्राई कर सकते हैं एक ही ट्रायल में. सो 223 बेसिकली डील्स विद वन ट्रायल. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी 224.
4 एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा सेक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट सेक्शन दैट इज 222. क्लियर? तो 224 क्या कहता है स्टूडेंट्स, 224 सेज विथड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस. रिमेनिंग चार्जेस मतलब हमने चार्जेस तो बहुत सारे लगाए, मैम के ऊपर 10 चार्जेस लगाए, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 प्रूफ हुए, 6 प्रूफ नहीं हुए, तो इन 6 को क्या कर लेंगे, हम विथड्रॉ कर लेंगे. और अगर इन 6 चार्जेस को वापस विथड्रॉ कर लिया जाता है या तो कंप्लेनेंट द्वारा या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द्वारा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका इफेक्ट होगा एक्विटल. एक्विटल विद रिस्पेक्ट टू ओनली दिस 6 चार्जेस, नॉट विद 4, क्योंकि 4 में तो कन्विक्ट हो गए ना मैम. तो इन 6 चार्जेस, ये जो 6 चार्जेस क्या हो जाएंगे, मुझ पर से हट जाएंगे. सो सेक्शन नंबर 224 सेज विथड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस. अब ये रिमेनिंग क्या हुआ, बचे हुए चार्जेस कहां से बचे हुए हैं, ये हमें पूरा सबसेक्शन रीड करने पे, नॉट सबसेक्शन, पूरा सेक्शन रीड करने पे समझ आएगा. व्हेन अ चार्ज कंटेनिंग मोर देन वन हेड, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस लगाए हुए थे मैम के ऊपर, देन वन इज फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेम पर्सन. एंड व्हेन अ कन्विक्शन हैज बीन मेड हैड ऑन वन और मोर ऑफ देम, जो कन्विक्शन हुआ है वो एक या एक से ज्यादा पर हो गया है, the complainant and the officer or the officer conducting the prosecution may with the consent of the court. तो यहाँ पे क्या चाहिए, consent of court is required. Court की consent के साथ what will you do, withdraw the remaining charges or the court on its own accord, या फिर court खुद से भी, court suo moto that is self भी वो charges remove कर सकता है, may stay the inquiry or trial on such charges. So basically वो suo moto inquiry उस उन चार्जेस से रिलेटेड इंक्वायरी को क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, या उस ट्रायल को भी स्टे कर सकते हैं. सच चार्जेस और चार्ज एंड सच विथड्रॉल शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल एंड ऑन सच चार्ज और चार्जेस अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड इन केस द सेट कोर्ट मे प्रोसीड विद इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल द चार्ज और द चार्जेस सो विथड्रॉल. क्लियर है चीज? सो बेसिकली हमको मोटे रूप में क्या समझना है, 224 का इफेक्ट क्या होगा अगर चार्जेस को विड्रॉ कर लिया जाता है, उसका इफेक्ट होगा एक्विटल. जैसे हमने 321 में क्या पढ़ा, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, अगर प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो रहा है एक्विटल इफेक्ट. 257 में क्या पढ़ा, अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू 222 जो काफी कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन काफी इजी है समझना, अच्छे से समझेंगे. ये बोल रहा है व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड, जो ऑफेंस प्रूव हुआ है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था उस ऑफेंस में जो चार्ज किया गया है मैम के अगेंस्ट. अगर मेरे अगेंस्ट कोई बड़ा ऑफेंस चार्ज कर दिया गया और उसके अंदर छोटा ऑफेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो मुझे उस छोटे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया जाएगा, इवन इफ वो छोटा वाला ऑफेंस मेरे अगेंस्ट सेपरेटली चार्ज नहीं था. सो व्हेन ऑफेंस मतलब ये माइनर सा ऑफेंस, ये माइनर सा ऑफेंस ऑलरेडी प्रूव्ड है किसके, और ये किसके अंदर इंक्लूडेड था, ये मेजर ऑफेंस के अंदर. दिस इज योर मेजर ऑफेंस एंड दिस इज योर माइनर ऑफेंस. ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे 3 सबसेक्शन अलग अलग तरीके से पढ़ना है. अगर पर्सन को चार्ज किया जा रहा है सबसेक्शन 1 में, जहां पर एक ऑफेंस है एंड इट इज कंसिस्टिंग सेवरल पर्टिकुलर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स का इंक्लूडेड है इस चीज के अंदर, एंड कॉम्बिनेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ माइनर ऑफेंस, और जब उन सब को हम इंक्लूड कर देते हैं तो एक माइनर ऑफेंस बनता है. एंड उसमें प्रूफ क्या होता है, वो माइनर ऑफेंस प्रूफ तो हो जाता है, वो ऑफेंस प्रूफ तो हो जाता है, बट रिमेनिंग पर्टिकुलर्स प्रूफ नहीं होते. मतलब ये पर्टिकुलर चार्ज लगाया उसमें से ये तो प्रूफ हो गया, बट ये सब प्रूफ नहीं हुआ, बाकी सब प्रूफ नहीं हुआ, बाकी के पर्टिकुलर्स प्रूफ नहीं हुए, देन ही कैन बी चार्ज फॉर द माइनर ऑफेंस. वो माइनर ऑफेंस के लिए हम उसको चार्ज कर सकते हैं, फॉर विच इवन इफ ही वॉज नॉट चार्ज, जिसके लिए वो भले ही चार्ज नहीं था लेकिन वो प्रूफ हो गया ना, मेजर में से माइनर प्रूफ हो गया, तो माइनर के लिए हम क्या कर देंगे, उस पर्सन को चार्ज कर देंगे. एग्जाम्पल, चार्ज किसका लगाया, 405 IPC का लगाया. किसका लगाया स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन नंबर 405 ऑफ IPC का लगाया, लेकिन 405 तो प्रूफ नहीं हुआ, 406 प्रूफ हो गया, तो हम 406 के लिए उस पर्सन को कन्विक्ट कर देंगे. देखो 405 का हमने चार्ज लगाया, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. चार्ज किसका लगाया, 405 का लगाया, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड ऑब्वियसली उसकी पनिशमेंट कहाँ लगेगी, 406 में. सो सॉरी, मैंने आपको बोला कि 405 का चार्ज लगाया, 406 की पनिशमेंट नहीं, बेसिकली
अब चार्ज भले ही 405 का लगाए, लेकिन कन्विक्शन कहाँ होती है? हमेशा कन्विक्शन 406 में होती है। कहने का मतलब ये, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हमने सारे एलिमेंट्स उसमें ऐड ऑन किए, लेकिन सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स प्रूफ हो रहे हैं, तो कुछ ही एलिमेंट्स के लिए हम 406 में उस पर्सन की पनिशमेंट दे देंगे, उसके लिए उस पर्सन को कन्विक्ट कर देंगे। और यही होता है ना, चार्ज हमेशा हम उसको डेफिनेशन के सेक्शन में करते हैं, लेकिन पनिशमेंट कहाँ मिलती है? हमेशा 406 की पनिशमेंट मिलती है। दैट इज टू से पनिशमेंट हमेशा पनिशमेंट वाले सेक्शन के अंतर्गत मिलती है। क्लियर है चीज? ओके चलिए, वैसे हम लोग इसके इलस्ट्रेशन देखेंगे तो हमें और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनो, इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है, ओके आई थिंक इट इज 407, नॉट 406, ओके इट इज 407। चलो इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी चलते हैं हम सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 ये कहता है, जब एक पर्सन को चार्ज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, लेकिन फैक्ट्स ऐसे हैं कि उसको माइनर ऑफेंस के लिए रिड्यूस कर देते हैं, मतलब हमने उस पर्सन को इस ऑफेंस के लिए चार्ज किया लेकिन ऑफेंस रिड्यूस हो गया, मतलब बहुत छोटा ऑफेंस ही किया है उस पर्सन ने, हालांकि वो उसमें इंक्लूडेड नहीं था। सबसेक्शन 1 में तो माइनर ऑफेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड था, सबसेक्शन 2 में माइनर ऑफेंस उस ऑफेंस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन चार्ज हमने बड़े ऑफेंस के लिए किया, लेकिन पता चला कि इसने तो छोटा वाला ऑफेंस किया, मतलब कम पनिशमेंट वाला ऑफेंस किया है, तो हम उस पर्सन को उस माइनर वाले ऑफेंस, दैट इज कम पनिशमेंट वाले ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, इवन इफ ही वाज नॉट चार्ज विद दैट माइनर ऑफेंस। क्लियर? एंड लास्ट सबसेक्शन कहता है, व्हेन द पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस, तो हम उस पर्सन को, मान भले ही हमने उसको मर्डर के लिए चार्ज किया हो, लेकिन उसको उसके अटेम्प्ट के लिए हम कन्विक्ट कर सकते हैं अगर लेटर स्टेज पे एविडेंसेस आते हैं और पता चलता है कि नहीं, इसने तो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट किया था, तो भले ही हमने चार्जेस उस पे मर्डर के लगाए, लेकिन हम उसको कन्विक्ट किस में कर सकते हैं? अटेम्प्ट के लिए उस पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है, इवन इफ अटेम्प्ट वॉज नॉट सो चार्ज। इवन इफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं लगाया था, हमने मर्डर के पनिशमेंट का चार्ज उसके ऊपर लगाया था, तो भी हम उसको अटेम्प्ट के लिए चार्ज कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस से प्रूफ हो तो। तो एक बार हम सारे सबसेक्शंस अच्छे से पढ़ेंगे, सबसेक्शन 4 भी पढ़ेंगे। देखो 222, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड, जो ऑफेंस प्रूव हुआ है इज इंक्लूडेड इन द ऑफेंस चार्ज्ड। सबसेक्शन 1, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, बहुत सारे पर्टिकुलर्स हैं उसमें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट माइनर लॉ, कि उसमें से सिर्फ कुछ पर्टिकुलर हमने एलिमेंट्स को ही अगर इंक्लूड कर दिया तो भी माइनर ऑफेंस बन गया, एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और वो प्रूव भी हो जाता है, बट रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड, बाकी की चीजें उसमें से ना प्रूव हो भी, मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस दो ही वॉज नॉट चार्ज विद इट। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 2, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव्ड व्हिच रिड्यूसेस इट टू माइनर लॉ, नॉट माइनर लॉ, माइनर ऑफेंस, he may be convicted for the minor offense although he was not charged with it. Subsection 3, when a person is charged with offense he may be convicted of an attempt to commit such offense although the attempt is not separately charged. And subsection 4 ne kya bola hai, nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction of any minor offense where the condition requisite for initiation of the proceeding in respect of the minor offense have not been satisfied. कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात कर रहा है, कि वो पर्टिकुलर माइनर लॉ, माइनर ऑफेंस होने के लिए, अगर उसकी प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के लिए कुछ पर्टिकुलर्स अगर आपने फॉलो नहीं किए हैं तो हम उस पर्सन को उस माइनर ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर? अब आएंगे हम इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन देखो, ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 407। 407 में क्या होता है, हम बेसिकली आई थिंक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, किसके द्वारा हो रहा है, कैरियर के द्वारा हो रहा है। एक बार आ जाएंगे इंडेक्स पे, एंड 406 mentions क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड 407 mention कर रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द कैरियर। ऑप्शन कौन सा, सॉरी यहाँ पे जो हमारा प्रोविजन है हमने किसके लिए चार्ज किया है, 407 ऑफ IPC विद अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड टू द कैरियर। It appears that he did commit the criminal breach of trust. Criminal breach of trust तो किया था under section 406 किया, लेकिन उसने 407 नहीं 406 किया था in respect of the property, but it was not entrusted to him as a carrier. हमने charge उस पर किसका लगाया, carrier का लगाया। तो 407 में students क्या included होना चाहिए, 405 का element होना चाहिए, और 405 की punishment तो 406 में मिल जाती है, लेकिन 407 में एडिशनल क्या है, 407 में एडिशनल है कैरियर होना चाहिए।
406 में तो पनिशमेंट सिर्फ 405 की मिल रही है, लेकिन 407 में एडिशनल क्या है कि 405 के तो आपको एलिमेंट्स डालने ही डालने हैं, लेकिन वहां पे कैरियर एडिशनल हो गया, तो 407 एक बड़ा हो गया ना, मतलब उसमें कैरियर भी है, 405 के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर कैरियर नहीं होता तो 406 में पनिशमेंट मिल जाती ना, चीजें कम पर्टिकुलर्स ही प्रूफ हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं 407 की बात करूं तो एक और एडिशनल पर्टिकुलर होना चाहिए ना, दैट इज कैरियर भी होना चाहिए, तो 406 में आएगा। लेकिन हमें बाद में क्या प्रूफ होता है कि नहीं वो तो एज अ कैरियर उसको इंटरेस्ट ही नहीं किया था, मतलब वो कैरियर वाला पर्टिकुलर क्या नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, दैट इज टू से रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड। तो 407 में कैरियर वाला पर्टिकुलर प्रूफ नहीं हो रहा ना, तो 406 की पनिशमेंट दे देंगे। देखो आगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर 406 ऑफ आईपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, बट दैट इट वॉज नॉट एंट्रस्टेड टू हिम एज अ कैरियर, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406। ठीक है, तो ये 405 नहीं था, वही मैं सोचू 405 कैसे, 407। तो ऑलवेज रिमेंबर, हम चार्ज किसके लिए करते हैं, कभी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर या डेफिनेशन सेक्शन के अंदर नहीं करते हैं, वी ऑलवेज चार्ज अ पर्सन अंडर पनिशमेंट सेक्शन। क्लियर है? तो 406 की पनिशमेंट होने के लिए जरूरी है कि 405 के एलिमेंट्स मिल जाए, ठीक है, लेकिन 407 में पनिशमेंट मिलने के लिए 405 के एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ 407 का एक और एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी कैसे इंटरेस्ट होनी चाहिए एज अ कैरियर, वो तो हुई नहीं थी, तो वो नहीं हुई, तो 406 के लिए हम उसको पनिशमेंट दे देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बी, ए इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। अब 325 किससे डील करता है? 325 हमारे हर्ट से डील करता है। 325 सेज दैट पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, बराबर, तो हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, बड़ा वाला ऑफेंस लगा दिया, विद कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। He proves that he acted on grave and sudden provocation. बाद में पता चल रहा कि भाई मैंने तो grave and sudden provocation किया था, मुझे मिला था। He may be convicted under 335. और 335 क्या कहता है? 335 voluntary causing grievous hurt on provocation. So बाद में हमको पता चल रहा है, ये देखो, बाद में हमको पता चल रहा है कि भाई 325 नहीं, तुमको तो 335 का एलिमेंट है कि भाई तुमने यहाँ पे कोई सेल्फ वॉलेंट्री कॉज नहीं किया था, तुमको यहाँ प्रोवोकेशन मिला था 335 में। है यहाँ पर भी वॉलेंट्री, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे प्रोवोकेशन मिलने के वजह से तुमने ऑफेंस किया था, तो ये कौन सा हो गया, सबसेक्शन 2 का एग्जाम्पल हो गया और ये सबसेक्शन 1 का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? So, एक बार हम सेक्शन नंबर 325 ऑफ आईपीसी पे आएंगे। सी स्टूडेंट्स, इफ यू कीप योर बेरेक्ट विद योरसेल्फ, अगर मैं यहाँ पे सब कुछ टाइप करके ले आती सेक्शन को, तो हो सकता है कि आप अपना बेरेक्ट कभी नहीं खोलते, बट इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू ओपन योर बेरेक्ट, और बेरेक्ट ओपन करोगे तो बहुत सारी चीजें देख लोगे। अब देखो, हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, कौन कौन सी चीजों को कंपेयर करेंगे, एक तो हम कंपेयर करेंगे 325 की पनिशमेंट, जहां मिल रहा है 7 ईयर्स तक पनिशमेंट मिल सकती है, एंड 335 की पनिशमेंट देखो, शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 4 ईयर्स। तो पनिशमेंट किसकी कम है? 325 की पनिशमेंट कम है। किसमें रिड्यूस हो गया? माइनर ऑफेंस में रिड्यूस हो गया। ये देखो, व्हेन द पर्सन इज चार्ज्ड विद ऑफेंस बट द फैक्ट्स प्रूव्ड रिड्यूसेस इज टू माइनर ऑफेंस। तो ऑफेंस माइनर कैसे होता है? जहां पनिशमेंट कम मिलती है वो माइनर ऑफेंस हो जाता है, जहां पनिशमेंट ज्यादा मिलती है वो मेजर ऑफेंस हो जाता है। तो भले ही हमने उसको 335 के लिए कन्विक्ट नहीं किया था, कन्विक्ट नहीं, चार्ज नहीं किया था, लेकिन प्रूफ क्या हो गया? 335 प्रूफ हो गया। तो हम उस पर्सन को कौन सी पनिशमेंट देने वाले हैं? 335 की पनिशमेंट यहां पर देने वाले हैं। क्लियर है चीज? सो आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ आया होगा और ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है ये समझ आया होगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, 225 222 नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी चीजों को समझ के रखना कि किन किन चीजों के लिए हम एक पर्सन को चार्ज कर सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है 223 224 में इफेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, 218 में इंपॉर्टेंट रहता है कि कब हम सेम ट्रायल में क्या क्या सेम ऑफेंसेस को चार्ज कर सकते हैं, 219 अति 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 महत्वपूर्ण टाइम पूछा जा सकता है, 12 मंथ्स पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ द ऑफेंसेस नॉट एक्सीडिंग 3, 220 भी इंपॉर्टेंट रहता है एंड 221 भी इंपॉर्टेंट रहता है। चैप्टर नंबर 17 स्टूडेंट्स ऐसी चीज है जो आपको कतई नहीं भूलनी है। 218 में हमने क्या पढ़ा? सेपरेट चार्ज होगा हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए और उसके लिए सेपरेट ट्रायल होगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अक्यूज अगर ऐसा एप्लीकेशन दे दे और मजिस्ट्रेट को भी लगे कि भाई इससे कोई अक्यूज का नुकसान नहीं होगा, नथिंग विल बी प्रेजराइज टू द अक्यूज, तो सेम ट्रायल में हम उस पर्सन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? 219, 220, 221 एंड 223, जहां पे 219 ने क्या बोला कि भाई अगर आपने सेम ऑफेंस, सेम काइंड का ऑफेंस किया है
विद इन 12 मंथ्स थ्री ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड, तो हम उसको सेम ट्रायल में कंडक्ट कर सकते हैं। 220 ने क्या बोला, ट्रायल ऑफ ऑफेंस मोर देन वंस, एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं ना, तो उन सबको हम क्या कर सकते हैं, सेम ट्रांजैक्शन हो सकता है, सेम ट्रांजैक्शन बट डिफरेंट ऑफेंस हो सकता है, उन सबको हम एक ट्रायल में कंडक्ट कर सकते हैं। 221 ने क्या बोला, जहां डाउटफुल है कि एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, तो या तो आप सारे चार्जेस लगा दो या फिर सारे में से कोई अल्टरनेटिव चार्ज आप लगा सकते हो। एंड फिर हम आए 223 पे, जहां पे हमने बोला वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जहां पे हम ऑफेंडर्स को जॉइंटली ट्राई कर सकते हैं। 224 ने हमने पढ़ा कि जब हमारे रिमेनिंग चार्जेस का विड्रॉल हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। एंड फाइनली हमने 222 में ये पढ़ा कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस प्रूव हो रहा है जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसमें, ऑफेंसेस चार्ज में, तो हम उस पर्सन को उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं जो कि प्रूफ हुआ है, भले ही वो हमने एज अ चार्ज उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं लगाया था। सो आई होप आपको ये सेगमेंट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है रिगार्डिंग व्हाट ऑल आई हैव टॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म और व्हाट आई हैव डेल्ट इन दिस सेशन, देन यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शिवानी सोलंकी। वहां पे एक लिंक पिन अप किया हुआ मिलेगा आपको, बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू कैन कनेक्ट थ्रू मी एंड ड्रॉप योर मैसेज ओवर देयर। चलिए, सो मेक श्योर करें कि अपनी DPPs आप रोज कलेक्ट करेंगे। DPP कहाँ से कलेक्ट करेंगे, PW ऐप से कलेक्ट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आप लॉ वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ये जो भी फाउंडेशन बैच के नोट्स हैं स्टूडेंट्स PW ऐप में मिलने वाले हैं, और वहां पर DPPs डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस या डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दोस DPPs, कलेक्ट दोस DPPs, गेट द प्रिंट आउट डन एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो अटेंड द क्विजेस ओवर देयर। So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.